अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और सोल्व करते हैं ये मॉडल टेस्ट पेपर। किसी हड्डी में छेद करने के लिए काम में लिया जाने वाला उपकरण है। ऑप्शन देखें, ट्रिफाइनर, ग्रूव डायरेक्टर, गिगली वायर और बोन कटर। साथियों, अगर ऑप्शन सारे एक बार देखें तो गिगली वायर जो होता है, इसका उपयोग तो हड्डी को काटने के लिए किया जाता है। ये एक प्रकार का, जैसे हम देखते हैं क्लच वायर होता है, उसी की तरह ये वायर होता है। दोनों तरफ इसके हुक होते हैं और उसका उपयोग बोन को काटने के अंदर किया जाता है। इस तरह से बोन कटर जो होता है, वो छोटी बोन्स को काटने के लिए कैंची की तरह का बड़ा कैंची का उपकरण होता है। ग्रूव डायरेक्टर क्या होता है कि यह वाहिनियों, रक्त वाहिनियों के नीचे इसे रखा जाता है। इस तरह से होता है ये डायरेक्टर, और इस बीच में ये होलो होता है, और इसका उपयोग रक्त वाहिनियों के नीचे किया जाता है, ताकि जो वाहिनी हम काटना चाहे, जिस स्थान से हम काटना चाहे, वहीं से कटे। और जो ये ट्रिफाइनर होता है, इसका उपयोग जो होता है हड्डी के अंदर छेद करने के लिए किया जाता है। ट्रिफाइनर इस तरह से एक संरचना होती है, ऊपर से तो इसके हैंडल लगा हुआ होता है, नीचे हम देखें तो इसके एक इस तरह से तीखा होता है। फिर इसको घुमा घुमा कर घुमाते जाते हैं और हड्डी के अंदर छेद करते जाते हैं। ट्रिपाइनर का उपयोग गिड के इलाज के अंदर किया जाता है। गिड एक पैरासाइटिक डिजीज है, उसके इलाज के अंदर फ्रंटल बोन को ट्रिपाइन किया जाता है। निम्न में से स्पर्मेटिक कोड में क्रश व कट की क्रिया एक साथ किस उपकरण से होती है? स्पर्मेटिक कोड में क्रश और कटिंग की क्रिया के लिए ऑप्शन देखें, बर्डिजोक्रास्टेटर, इमेस्कुलेटर, स्पर्म लाइगेटर और स्पर्म कटर। साथियों, बर्डिजोक्रास्टेटर जो होता है, वो गाय, भैंस और भेड़ बकरी इत्यादि के अंदर जो है कास्टेशन के लिए उपयोग में आने वाला उपचार है। इस क्रिया के अंदर हम देखते हैं कि वुन जो, जब हम क्रशिंग ही होती है, क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि जो जो जानवर के जो वृषण होते हैं, उनके ऊपर इसको लगाकर केवल क्रश ही किया जाता है, और स्पर्मेटिक कोड को क्रश कर दिया जाता है, क्योंकि इस केस के अंदर जो है वो क्लोज ही रहता है। हम इसके अंदर ओपन करके सर्जरी नहीं करते हैं, इसलिए इस केस में केवल क्रशिंग होती है। जबकि इमेस्कुलेटर जो कि हॉर्सेस में उपयोग में आता है, इसके अंदर क्रशिंग और कटिंग दोनों क्रिया है साथ में इमेस्कुलेटर से होती है। स्पर्म लाइगेटर या स्पर्म कटर ऐसी कोई चीज होती नहीं है। निम्न में से नॉन अब्सॉर्बेबल सूचक है, विक्राइल, डैक्सोन, फेशियल आटा और विटाफिल ऑप्शन में है। तो आंसर इसका होगा विटाफिल, क्योंकि विक्राइल और डैक्सोन ये नॉन अब्सॉर्बेबल, सॉरी अब्सॉर्बेबल सिंथेटिक सूचर है, जबकि ये है प्राकृतिक रूप से मिलने वाला अब्सॉर्बेबल सूचर है। इसके अलावा कैटगट हम जानते ही हैं, ये सभी फेशियल आटा, ये सभी अब्सॉर्बेबल सूचर होते हैं। रूमेटोमी में निम्न में से किस सूचर प्रक्रिया को काम में लिया जाता है? तो हम देखते हैं रूमेटोमी के अंदर लैम्बर्ट, कुशिंग, उपरोक्त दोनों और कॉर्नल। तो लैम्बर्ट और कुशिंग दोनों जो है सूचर रूमेटोमी में काम में लिया जाता है। अगला प्रश्न हम देखें, पाउडर कांच के उपकरणों को निर्जमीकृत करने हेतु हॉट एयर ओवन में निम्न में से तापमान व समय उपयोग में लाते हैं। ऑप्शन देखें, 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 घंटा, 121 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट, 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट, और ऑप्शन चौथा 1 व 3 दोनों। साथियों, आंसर होगा इसका 1 व 3 दोनों, क्योंकि 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर 1 घंटा रखा जाए या फिर तापमान को बढ़ा दिया जाए, जैसे 180 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाता है, तो जो समय होता है वो आधा ही रह जाता है। इसलिए चौथा ऑप्शन 1 व 3 दोनों, आप चाहे तो इस कंडीशन में भी रख सकते हैं और इस कंडीशन में भी रख सकते हैं। निम्न में से निर्जमीकरण में उपयोगी नहीं है, बॉइलिंग वाटर, पेपर फिल्टर, के एमनो फोर, इथालिन ऑक्साइड। साथियों, के एमनो फोर और इथालिन ऑक्साइड, यह दोनों जो है केमिकल स्टरलाइजिंग एजेंट्स है। के एमनो फोर जो होता है वो सामान्य रूप से काम आने वाली जो कि लाल दवा होती है, और हॉस्पिटल्स में बहुत काम मिल जाता है, जो कि गांवों पर भी लगाया जाता है। इथाइलिन ऑक्साइड का उपयोग फ्रिज, बहुत सारी चीजें जो कांच के उपकरण है, या बहुत सारी जो कि हीट से जो कि प्रभावित हो जाती है, ऐसे उपकरणों को साफ करने के लिए इथाइलिन ऑक्साइड का उपयोग होता है। बॉइलिंग वाटर जो होता है, इसका उपयोग भी निर्जमीकरण के लिए किया जाता है, क्योंकि हम देखते हैं बर्तनों को धोने के लिए, ग्लास के उपकरणों को साफ करने के लिए बॉइलिंग वाटर का उपयोग किया जाता है। पेपर फिल्टर जो होगा वो इसके अंदर आंसर होगा, क्योंकि यह निर्जमीकरण के कोई उपयोग ही नहीं है। जो फिल्टर जो है काम में लिए जाते हैं, जो कि मैकेनिकल मेथड में, वो सिंटर्ड ग्लास फिल्टर काम में लिए जाते हैं। सिंटर ग्लास फिल्टर जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो बर्क फिल्ड फिल्टर। ये सभी
जो फिल्टर होते हैं वो नैनो लेवल पर फिल्टर करते हैं, अर्थात वो वायरस का भी फिल्टर कर देते हैं। इसके अलावा बर्फ फिल्टर होता है और एक सिड्स फिल्टर होता है। इनका उपयोग जो होता है वो निर्जमीकरण में होता है, जबकि पेपर फिल्टर का उपयोग निर्जमीकरण में नहीं होता। सबलक्सेशन कहलाता है, पार्शियल फ्रैक्चर, पार्शियल स्प्रेन, पार्शियल डिसलोकेशन और लिगामेंट इंजरी। साथियों, लक्सेशन का अर्थ होता है डिसलोकेशन। ऐसा डिसलोकेशन से हम अच्छे से परिचित हैं जिसके अंदर फ्रैक्चर नहीं होता और बोन का एक स्थान से हटके दूसरे स्थान पर चला जाना होता है। स्प्रेन जो होता है वो लिगामेंट से संबंधित है और फ्रैक्चर जो है बोन के टूटने से संबंधित है। लिगामेंट का लक्सेशन से कोई विशेष मतलब नहीं, इसलिए आंसर होगा पार्शियल डिसलोकेशन। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्न में से प्री एनेस्थेटिक का कार्य नहीं है। लार ग्रंथियों के स्त्राव को कम करना, मूत्र को थोड़े समय के लिए रोकना, पशु को शांत करना, पशु को दर्द कम करना। साथियों, अगर प्री एनेस्थेटिक के उपयोग की हम बात करें तो लार ग्रंथियों का स्त्राव को कम करना सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप जानते हैं, एट्रोपिन एक प्री एनेस्थेटिक के रूप में हमेशा साथ में जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं जाइलेजिन देते हैं, ये भी प्री एनेस्थेटिक के रूप में हम काम लेते हैं, एट्रोपिन प्लस जाइलेजिन। जाइलेजिन पशु को शांत करने में उपयोगी है और पशु के दर्द को भी कम करता है, और पशु को थोड़े समय के लिए मूत्र को रोकना यह किसी भी प्री एनेस्थेटिक द्वारा संभव नहीं है, इसलिए आंसर होगा दो। निम्न में से क्लोज्ड वुंड नहीं है। साथियों, जहां पर भी ये नहीं रहे, जैसे ऊपर वाले प्रश्नों में भी देखा था नहीं, उन प्रश्नों को बहुत सावधानी पूर्वक हल करें, जल्दबाजी ना करें। पहला ऑप्शन हम देखें कंट्यूजन, हिमेटोमा, ब्रुइस और अब्रेजन। साथियों, कंट्यूजन, हिमेटोमा और ब्रुइस, ब्रुइस मतलब नील जमना, हिमेटोमा मतलब फफोला आना, और कंट्यूजन का मतलब लाठी ब्लो की वजह से जो लाइन पड़ जाती है उसे हम कंट्यूजन कहेंगे। तो इन तीनों को हम देखते हैं, ये तीनों क्लोज है, जबकि अब्रेशन होती है जिसमें रगड़ लग जाती है, तो इसे हम ओपन वुंड कहते हैं, इसलिए आंसर होगा फोर। स्नायु यानी लिगामेंट अपनी क्षमता से अधिक खिंच कर टूट जाए तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे। तो साथियों, हम देखते हैं पहला डिसलोकेशन। तो डिसलोकेशन का लिगामेंट से कोई विशेष मतलब नहीं है, डिसलोकेशन के केस में बोन अपने स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। लिगामेंटाइटिस का अर्थ होता है लिगामेंट का इंफ्लामेशन हो जाना, तो यहाँ तो टूट गया है तो अलग चीज है। लिगामेंट फ्रैक्चर जो जो एक टर्म है उसका जो वास्तविक नाम जो है वो है स्प्रेन, अर्थात लिगामेंट का अपनी क्षमता से अधिक जो खींच जाना या टूट जाना जिसको हम कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं मोचाना। अगला हम देखते हैं थायोपेंटन सोडियम। सोडियम क्या है? तो लोकल एनेस्थेटिक है, अफीम से बना एनेस्थीसिया है, बारबिट्यूरेट है, उपरोक्त सभी। साथियों, थायोपेंटन सोडियम जो होता है वो जनरल एनेस्थेटिक होता है और पूरी बॉडी को वो सुन्न करने के काम में आता है, इसलिए वो लोकल एनेस्थेटिक नहीं है। इस तरह से अफीम से बना भी नहीं होता है क्योंकि ये अफीम डेरिवेटिव नहीं है, उपरोक्त सभी हो नहीं सकता, और बारबिट्यूरेट्स है क्योंकि ये यूरिया डेरिवेटिव होता है, इसलिए थायोपेंटन सोडियम का उपयोग किया जाता है। निम्न में से मूड एलिवेटर है, जाइलेजिन, ट्राइफ्लोप्रोमाजीन, किटामिन और फेंटानिल। साथियों, जाइलेजिन प्री एनेस्थेटिक के रूप में काम आता है और यह छोटा निश्चेतन करने के काम में आता है। ट्राइफ्लोप्रोमाजीन जो होता है वो एक मूड एलिवेटर का काम करता है, जिसे हम ट्रंकलाइजर भी कहते हैं। ये ट्रंकलाइजर्स होते हैं, ये मूड एलिवेटर्स का काम करते हैं। किटामिन भी एनेस्थेटिक है और फेंटानिल भी एनेस्थेटिक है। तो ये प्रश्न हमने देखे। अगला प्रश्न हम देखते हैं, रुमेटोमी के लिए निम्न में से कौन सा एनेस्थीसिया उपयोग में लाते हैं। तो हम देखते हैं रुमेटोमी के अंदर ऑप्शन देखें तो एपिड्यूरल, पैरावर्टिब्रल, उल्टा एलओटी, स्थानीय निश्चेतक लगाना, रेट्रोबल्बर और उपरोक्त सभी। साथियों, इसके अंदर हम देखें तो सीधा ही लगता है कि एपिड्यूरल या रेट्रोबल्बर में पोजिशन बताई नहीं गई है, तो ये दोनों तो गलत होंगे, क्योंकि तो हम जानते हैं कि फ्लैंक रीजन जो होता है, जो मान लीजिए जानवर का ये इस तरह से अगर बीच वाला हिस्सा हम देखें या एब्डोमिनल हिस्सा हम देखें, तो जो फ्लैंक रीजन होता है उसके अंदर उल्टा एल या इस तरह से या टी शेप्ड जो है एनेस्थीसिया लगाया जाता है, जो कि रुमेनाटोमी के अंदर उपयोगी होता है, और इसके अंदर स्थानीय निश्चेतक का उपयोग करते हैं, तो यह रुमेनाटोमी में उपयोगी आंसर होगा दो। फ्रैक्चर जिसमें घाव होने के बाद में वातावरण के संपर्क में आ जाए, तो ऐसे फ्रैक्चर को क्या कहते हैं? सिंपल, कंपाउंड, कंप्लीट, कॉम्प्लेक्स। साथियों, सिंपल नहीं होगा क्योंकि सिंपल के केस में स्किन नहीं कटती,
अर्थात मान लीजिए ये कोई बोन है अंदर और इसके अंदर फ्रैक्चर हो जाता है, तो फ्रैक्चर यहाँ से हो जाएगा लेकिन ये स्किन नहीं कटेगी। लेकिन मान लीजिए स्किन भी कट जाए, स्किन भी ओपन हो जाए, और इस तरह से यह है स्किन जो है ओपन होकर ये जो हड्डी है ये बाहर ही वातावरण के संपर्क में आ जाए, तो ऐसे फ्रैक्चर कहलाएंगे कंपाउंड। कंप्लीट फ्रैक्चर उसको कहते हैं कि जब मान लीजिए कोई बोन के अंदर अगर फ्रैक्चर होता है और अगर वो पूरा ही कट जाए तो उसे हम कंप्लीट फ्रैक्चर कहेंगे। अगर वो थोड़ा सा रह जाता है, मान लीजिए इतना से ही कटा है, इनकम्प्लीट फ्रैक्चर कहलाता है। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर उसे कहते हैं जो सभी प्रकार के फ्रैक्चर इसमें मिक्स हो। तो इसका आंसर होगा कंपाउंड फ्रैक्चर। उपकरणों को सूक्ष्म जीवों व बीजाणुओं दोनों से मुक्त करना क्या कहलाता है? स्टरलाइजेशन, डिसइंफेक्शन, एंटीसेप्टिक और क्लीनिंग। आंसर इसका होगा स्टरलाइजेशन, क्योंकि सूक्ष्म जीवों और बीजाणुओं दोनों से मुक्त करना जो है वो स्टरलाइजेशन कहलाता है, सूक्ष्म जीवों से मुक्त करना डिसइंफेक्शन कहलाता है। पशु को लाठी डंडे से पीटने पर किस प्रकार का घाव बनता है? ऑप्शन देखिए, कंट्यूजन, अब्रेजन, लैसरेशन और एवल्सन। जब हम लाठी या डंडे से जब जानवर को पीटा जाता है तो उसके क्या है कि जानवर के शरीर पर कट नहीं लगता, अर्थात स्किन के अंदर किसी भी प्रकार का कट नहीं लगता, वो बाहरी वातावरण से आंतरिक जो चमड़ी है वो संपर्क में नहीं आती, तो ऐसा वुंड जो होता है वो कंट्यूजन कहलाता है, क्योंकि तो इसके अंदर एक नील बन जाती है और जो जो चमड़ी के जो नीचे वाले जो मसल्स हैं, मांस मांसपेशियां हैं या जो चमड़ी के नीचे वाला जो भाग है, लिगामेंट्स हैं, उनमें इंजरी आ जाती है, तो इन्हें हम कंट्यूशन कहते हैं। बीमार पशु को दर्द व पीड़ा से मुक्त करने के लिए पेनलेस किलिंग को पेनलेस किलिंग क्या कहलाती है? तो आंसर इसका होगा एनेस्थीसिया, यूथेनेशिया, यूथेनिक्स और एनाल्जेसिया। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा यूथेनेशिया, जिसे हम इच्छा मृत्यु भी कहते हैं। और एनेस्थीसिया हम जानते हैं, ये सामान्य निश्चेतन को एनेस्थीसिया कहा जाता है और सामान्य दर्द निवारण को हम एनाल्जेसिया कहते हैं। यूथेनिक्स जो होती है ये जेनेटिक्स की एक ब्रांच है, जिसके अंदर जेनेटिकली जो है थेरेपी की जाती है ताकि जानवरों के अंदर बदलाव लाया जा सके। अगला हम देखें, जोड़ों का अपने स्थान से हट जाना क्या कहलाता है? ऑप्शन देखें, फ्रैक्चर, लक्जेशन, डिसलोकेशन और दो व तीन दोनों। फ्रैक्चर के अंदर हम जानते हैं कि बोन का टूटना जरूरी है, अर्थात ब्रीच इन द कंटिन्यूटी ऑफ द बोन्स, अर्थात बोन का बैक होना जरूरी है तभी वो फ्रैक्चर होगा। लक्जेशन और डिसलोकेशन के अंदर बोन टूटती नहीं है, जबकि वह जोड़ वाले स्थान पर, मान लीजिए कोई दो हड्डियां अगर किसी स्थान पर जुड़ती है, ये दोनों हड्डियों का जुड़ने का कोई एक स्थान है, वहां पर अगर मान लीजिए दो हड्डियां जुड़ी हुई है और वो जो है मसल्स के द्वारा या लिगामेंट्स के द्वारा जुड़ी हुई रहती है, मान लीजिए ये दोनों हड्डियां जो जोड़ वाले स्थान से अगर अलग अलग हो जाए, अगर जोड़ वाले स्थान से ये एक दूसरे से डिसलोकेट हो जाती है, तो जो इस तरह का जो अंग, इस तरह का जो कंडीशन बनती है, इसे हम डिसलोकेशन कहते हैं, क्योंकि तो इसके अंदर फ्रैक्चर नहीं हुआ है, बस वो ये अपने स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो गए, इसके आगे हम डिसलोकेशन कहते हैं और इसी का दूसरा नाम है लक्सेशन। इसलिए फोर्थ आंसर होगा दो व तीन दोनों। रक्त स्त्राव को रोकने की विधि है फायरिंग, टॉर्निकेट, केमनोफेर स्वाब और उपरोक्त सभी। साथियों, इन सभी का उपयोग रक्त स्त्राव को रोकने में होता है। फायरिंग के द्वारा रक्त स्त्राव रुक जाता है, तो ये फ्लेम होती है और वहां की कोशिकाएं सिकुड़ जा वहां की जो कैपिलरीज होती है वो सिकुड़ जाती है। टॉर्निकेट का उपयोग भी बांध दिया जाता है, तो वहां की जो रक्त वाहिनियां हैं वो दब जाती है और इसे रक्त का स्त्राव नहीं होता। केमनोफोर हम रूटीन में यूज करते हैं फील्ड के अंदर, तो इसलिए आंसर होगा उपरोक्त सभी। पशु की पूंछ हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सर्जिकल रिमूवल ऑफ द टेल, इसको हम डॉकिंग करना कहते हैं। डीबडिंग जो होती है वो जो हॉर्न बड्स होती है, जो सींग रोदन करना होता है, उसे हम डीबडिंग कहते हैं। अगला प्रश्न हम देखें, गन शॉट घाव में कौन सी ओपनिंग चौड़ी होती है? गन शॉट वुंड जो होता है उसके अंदर जब बंदूक के द्वारा जो वुंड डेवलप किया जाता है, मान लीजिए किसी जानवर के अंदर गन शॉट वुंड लगाया जाता है, तो जब वो उसका एंट्रेंस मान लीजिए इधर से है, तो एंट्रेंस जो होगा वो बहुत छोटा होगा और जब ये गोली जो है अंदर से चल के जाएगी और बाहर से निकलेगी, तो जो एग्जिट वुंड होगा वो बहुत बड़ा होता है, एग्जिट का जो आकार होगा वो बड़ा होगा, क्योंकि जो गोली होती है वो राउंड राउंड करती हुई चलती है, इस तरह से गोल गोल घूमती हुई जाती है, इसलिए वो अंतिम जो छेद होगा वो बड़ा कर देती है, इसलिए एग्जिट ओपनिंग जो होगी वो छोटी होगी।
एट्रोपिन किस पादप से प्राप्त होती है? एट्रोपा बेलोडेना, एट्रोपा नाइगर, फायोसाइमिन नागर, एट्रोपा इंडिका। इसका आंसर होगा एट्रोपा बेलोडेना से प्राप्त होती है। एट्रोपिन सल्फेट कौन से स्त्रवण को कम करता है? सलाइवरी सिक्रेशन, इंटेस्टाइनल सिक्रेशन, ब्रोंकियल सिक्रेशन, ऑल ऑफ द अबव। साथियों, एट्रोपिन सल्फेट जो होता है वो सभी प्रकार के सिक्रेशंस को कम कर देता है, और इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ऑब्जर्वेबल सूचर मटेरियल का उदाहरण नहीं है कैटगट, नायलोन, टैक्सोन और विक्राइल। साथियों, विक्राइल या पॉलीविलेक्टिन 910, डेक्सोन और कैटगट। कैटगट से नेचुरल है, बाकी ये दोनों सिंथेटिक है, जबकि नायलोन जो है वो अब्जॉर्ब नहीं होता है, क्योंकि ये उदाहरण में नहीं पूछा है, इसलिए आंसर होगा नहीं, नायलोन आंसर इसका होगा। साथियों, ये अपन ने एक पेपर सॉल्व किया है, आप भी इसको सॉल्व करें, और अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।